हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी और मेरे चैनल में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें रिव्यू करता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो और वही एक्सपीरियंसेस मैं आप तक शेयर करता हूँ। अभी मैं आपसे बात करूँगा कि चिल्ड्रेन के लिए एक फ़र्स्ट एड किट और एसेंशियल्स में क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, मेरी एक 2 साल की बेटी है और जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रहती है बच्चे सूट नहीं कर पाते हैं, इधर उधर कुछ मुंह में डाल देते हैं या उनको सर्दी खांसी होती है, वायरल चेंजेस होते हैं। तो दोस्तों, मैं मेरे जो किट है बच्चों के लिए उसमें क्या क्या रखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, थर्मामीटर, ये इतना ज़रूरी है बच्चों के लिए। एक अगर आप बच्चों के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो कॉन्टैक्ट लेस वाला जो आता है, मेरे पास डॉक्टर ट्रस्ट का है, करीब करीब 3,000 का है, बट वो एब्सोल्युटली वर्थ इट है क्योंकि बच्चे जो रहते हैं वो बहुत ही स्टबर्न रहते हैं, तो वो आपको टेम्परेचर मापने देंगे नहीं, तो आपके पास 2-3 सेकेंड ही रहता है वो मापने के लिए। और ये जो है ये आप तुरंत ऐसा फोरहेड पे लगाएंगे तो टेम्परेचर आ जाता है। आजकल कोरोना वायरस के लिए भी जो थर्मोमीटर चेकिंग हो रही है वो उसी से हो रही है। तो टेम्परेचर इतना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के ग्रोइंग एज में रात को फीवर अगर बढ़ गया, अनडिटेक्टेड चला गया, तो बच्चों के केस में वो जानलेवा भी हो सकता है। तो दोस्तों, थर्मामीटर में इन्वेस्ट करिए, बच्चों के लिए अच्छा थर्मामीटर लीजिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा बच्चों के फर्स्ट एड किट में रखने वाली चीज़ें, वो है क्रोसिन। दोस्तों, क्रोसिन का जो, अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो क्रोसिन के ड्रॉप्स रख लीजिए, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो क्रोसिन का सिरप रख लीजिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात के टाइम पे जब भी बच्चा सोया होता है, हमको हमेशा फीवर हर 2-3 घंटे में चेक करता रहना पड़ता है। और मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये जो क्रोसिन का जो लाइफ है, मतलब एक 4-5 घंटे वो चलता है और उसके बाद उसकी असर वापस कम होना स्टार्ट होता है। तो कभी कभी क्या है, रात को 9-10 बजे चालू हो जाता है फीवर और वो सुबह को जहाँ तक आप डॉक्टर के पास जाए तब तक आपके पास, आप क्या करें। तो ये आप 2-3 डोज हर 6-5 घंटे में क्रोसिन का दे सकते हैं, तो आपको बच्चा फीवर में नहीं रहेगा। दूसरा दोस्तों, कॉफ के लिए आप सिरप रख सकते हैं, ड्रॉप्स रख सकते हैं। मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सिनारेस्ट रखा है। 2 साल के पहले मैं ड्रॉप्स देता था बच्ची को, बट अभी मैं उसको सिरप देता हूँ। हल्की सी जब खांसी वगैरह होती है तो आप सिनारेस्ट दे सकते हैं दिन में 3 बार। दोस्तों, वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आपके डॉक्टर के साथ ये सब चेक करिएगा, बट बच्चे छोटे रहते हैं, आप जब उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उधर भी करीब करीब 10-15 बच्चे बीमारी रहते हैं, तो हमेशा चेप लगने का अच्छा खासा चांस रहता है। तो इनिशियल 1-2 दिन आप ये सब डॉक्टर्स को बोल सकते हैं कि आप हमको इमरजेंसी वाले सिरप्स या मेडिसिन लिख के दीजिए, ताकि अगर सिम्टम सबसाइड हो जाए तो वो अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया सिनारेस का सिरप। दोस्तों, एकदम इमरजेंसी के लिए मैं कभी ऐसा चाहूँगा नहीं कि आपको ऐसी इमरजेंसी आए, बट एक आइब्यूजेसिक सिरप रखिएगा, क्योंकि अगर क्रोसिन से आपका फीवर कम नहीं हो रहा है और 102 के ऊपर ही जा रहा है तो आपको आइब्यूजेसिक देना ही पड़ेगा। इसका जो डोजेज वगैरह है वो आप आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिए। तो दोस्तों, बच्चों के और क्या बच्चों में रहता है, एक पेट ख़राब होने के ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें हमको कॉलिकेड करके एक ड्रॉप्स है वो दिया हुआ है बच्चों, डॉक्टर ने कॉलिकेड करके जो ड्रॉप्स है वो दिया हुआ है डॉक्टर ने। और
बस यही है, बच्चों के लिए बहुत कुछ नहीं लगता है बट ये सब बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी बेटी बीमार पड़ी थी और रात को उसको बुखार स्टार्ट हो गए थे और मेरे पास ये सब मेडिसिन्स थी, तो तुरंत मैं उसको कंट्रोल में कर पाया। नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास गया और प्रॉपरली मेडिकेशंस ले ली। दोस्तों और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगा, मेडिसिन्स तो अपने पास रहती है बच्चों के लिए बट उसके डोजेज कितने देने के वो पता नहीं रहते हैं। तो एक पेपर पे आपके डॉक्टर से डिस्कस करके वो लिख लीजिए, वेट वाइज रहती है। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा कम डोज दे दिया क्रोसिन का और उसके बाद वो बुखार कम हो नहीं रहा था और उसके वजह से फिर हमको वो ठंडे पानी के पोते रखने पड़े। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जिधर मुझे 2-3 ml देना चाहिए था मैंने 1 ml ही दिया था। तो एक चिट्ठी या एक पेपर रखिए जिसमें आप हर एक मेडिसिन का डोज लिख लीजिए। दोस्तों ये जो फर्स्ट एड किट है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी दवाइयाँ सारी चीज़ें मॉनिटर करिए, इसको एक्सपायर तो नहीं हो गई, अगर एक्सपायर हो गई है तो उसको चेंज करिएगा। और अगर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपने उसमें रखे हैं वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उसकी बैटरी वगैरह लीक तो नहीं हो गई है, तो इसको आपको एवरी 2-3 महीने में या पीरियोडिकली चेक करना है कि आपका फर्स्ट एड किट जब भी आपको ज़रूरत हो वो यूज़ेबल रहे। सो थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई गलती लगती हो या आपको कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए, कुछ एडिशन करना है तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो वो मैं उसमें मेरे फर्स्ट एड किट में चेंज कर दूँगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।